सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर और आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस वजह से उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के यहां जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज, मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज, मुझसे क्या भूल हुई। संत श्री ने कहा कि बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, ये है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, ये है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, और ये है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है, और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा, देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप और सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा कि भाई, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे, तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लीजिए। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार छोटे भाई भतीजों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पर पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद सेठ जी का दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गया और साधना सजीव हो उठी। तो हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं।
वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स जब आते हैं, आप जब लाइक करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए होती है हर दिन के लिए इंस्पिरेशन, ऐसी कहानियों पर काम करने के लिए और उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए। तो अपना ये प्यार बरकरार रखिए, हमेशा की तरह भर भर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।